हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस कन्वर्सेशन क्लास. इन प्रीवियस कन्वर्सेशन क्लास वी हैड स्टडीड वेजिटेबल्स नेम एंड टुडे वी विल स्टडी वेजिटेबल्स दैट ग्रो ऑन प्लांट. आज हम लोग कौन सी वेजिटेबल्स के बारे में बात करेंगे जो प्लांट में ग्रो होती हैं, और वो वेजिटेबल्स कौन सी हैं चलिए देखते हैं. टोमेटो, दिस इज टोमेटो, लेडीज फिंगर, ब्रिंजल एंड चिली. ओके, तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको अपने घर में हम प्लांट में इजली लगा सकते हैं, और इसके प्लांट बहुत बड़े भी नहीं होते हैं और ये आराम से उसमें ग्रो करती है. तो चलिए हम लोग जानते हैं फिर से इनके बारे में. तो दिस इज टमेटो, एंड व्हाट इज द कलर ऑफ टमेटो? टमेटो इज रेड इन कलर. और टमेटो हम लोग किस यूज में करते हैं आपको पता है ना, आपकी जो फेवरेट टोमेटो सॉस है वो इसी बनती है टोमेटो से. और हम लोग इसको रॉ भी खाते हैं सैलेड के रूप में, और इसकी कुक्ड वेजिटेबल्स भी बनती है, साथ में इसका यम्मी टेस्टी हेल्दी सूप भी बनता है. तो ये हमारे प्लांट में ग्रो होती है. और नेक्स्ट हमारी वेजिटेबल्स क्या है? वेजिटेबल है हमारी लेडीज फिंगर. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ लेडीज फिंगर? दिस इज ग्रीन इन कलर. लेडीज फिंगर इज ग्रीन इन कलर. और इसको भी हम लोग कैसे खाते हैं? इसकी भी कुक्ड वेजिटेबल बनती है, और जो बहुत हेल्दी होती है खाने में, और ये भी प्लांट में ग्रो करती है. नेक्स्ट है हमारा ब्रिंजल. दिस इज ब्रिंजल. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ ब्रिंजल? ब्रिंजल इज पर्पल इन कलर. और ब्रिंजल भी हमारा कहाँ ग्रो करता है? ब्रिंजल भी हमारा प्लांट में ग्रो करता है. और इसको हम कैसे खा सकते हैं? इसकी भी कुक्ड वेजिटेबल बनती है, और साथ में इसके पकौड़े के में भी यूज होता है. अब नेक्स्ट है हमारा चिली. दिस इज चिली. और ये भी हमारी प्लांट में ग्रो करती है. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ चिली? चिली इज रेड एंड ग्रीन इन कलर. चिली इज रेड एंड ग्रीन इन कलर. ये रेड भी कलर की होती है और ग्रीन कलर की भी होती है. और चिली का यूज हम लोग कैसे करते हैं? चिली को बहुत से लोग इसको रॉ भी खाते हैं, और इसकी कुक्ड वेजिटेबल्स भी बनती हैं, इसका पिकल भी बनता है, और इसको मसाले के रूप में भी यूज किया जाता है. तो हमारी ये वेजिटेबल्स कहाँ ग्रो करती हैं? प्लांट. आज की क्लास में हम लोगों ने प्लांट में वेजिटेबल जो ग्रो करती हैं वो पढ़ा. अब जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी तो उस पर हम वेजिटेबल्स के और काइंड्स पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू एंड बाय बाय.